नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर डीडी न्यूज के लोगो का रंग बदल गया है। इसको लाल की जगह नारंगी कर दिया गया है। डीडी न्यूज ने अपने लुक और फील में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, जिसमें शानदार स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और उन्नत तकनीक के साथ ही खबरों के रोचक प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीडी न्यूज के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें लिखा गया, हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, हम अब एक नए अवतार में उपलब्ध हैं। एक ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव कीजिए। हमारे पास गति से अधिक सटीकता, दावों से अधिक तथ्य और सनसनी पर सच्चाई को दिखाने का साहस है, क्योंकि अगर ये डीडी न्यूज पर है तो ये सच है। देश में आज से लोकसभा चुनाव शुरू है और चुनाव के समय डीडी न्यूज के लोगों के रंग में बदलाव को लेकर बवाल भी मचना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन सामने आए हैं। इसको कई यूजर्स ने सराहा है तो कई यूजर्स ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चलिए देखते हैं किस किस लोगों ने क्या क्या कहा। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने लिखा, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का नारंगीकरण करना बंद करें, याद रखें इससे कुछ मूल्य होते हैं। वह एक यूजर ने इसकी तारीफ में लिखा, नया लोगो अच्छा दिख रहा है। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2003 को डीडी न्यूज को मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में शुरू किया गया था। शुरू होने के बाद से कई बार चैनल का लोगों का रंग बदला गया है। अब इसका रंग बदल कर नारंगी कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूर्य हॉस्पिटल, जिला मुख्यालय के पास जीटी रोड चंदौली। कुशल एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सीमित खर्च में बेहतर उपचार की गारंटी।